नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों यह वीडियो VOD की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। संजू जी का कहना यह था कि नॉमिनी कैसे ऐड होगा, इस पर मुझे बताना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SBI अकाउंट में आप ऑनलाइन नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे मनपसंद की वीडियो INT हिंदी टेक पर डाली जाए तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर हमें ज़रूर सूचित करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि ऑनलाइन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जो है नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर कैसे अपडेट कर सकते हैं पुराना वाला नॉमिनी को हटाकर। दोस्तों इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता देंगे कि कैसे कैसे आपको नॉमिनी ऐड या फिर अपडेट करना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत खुद से प्रोसेस कर लेना। इस वीडियो में हम आपको दो प्रोसेस बताएंगे। जो सबसे पहला प्रोसेस बताएंगे SBI योनो लाइट एप्लीकेशन की मदद से, उसके बाद हम आपको इंटरनेट बैंकिंग की मदद से भी बताएंगे कि ब्राउज़र में जाकर आप जो है कैसे अपने SBI अकाउंट का नॉमिनी ऐड या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले योनो लाइट एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको सर्विस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो चलिए सर्विस वाले ऑप्शंस पर हमने क्लिक कर दिया। सर्विस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन नॉमिनी यहां पर आपको नजर आएगी, ऑनलाइन नॉमिनेशन। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ये बोलेगा कि आप अपना अकाउंट जो है अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपना यहां पर अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह किए रहती हैं तो यहां पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, जिसमें ट्रांजेक्शन अकाउंट एक नजर आएगा और एक डिपोजिट अकाउंट। ट्रांजेक्शन अकाउंट वह होता है जो आपका सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट होता है, और डिपोजिट अकाउंट जैसे RD या फिर FD किए रहते हो वह होता है, ठीक है। तो आप अपना सेविंग अकाउंट का नॉमिनी चेंज करना चाहती हैं तो यहां पर ट्रांजैक्शन अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह किए हैं तो डिपॉजिट अकाउंट का आप जो है नॉमिनी चेंज करना चाहती हैं तो यहां पर डिपॉजिट अकाउंट का भी नॉमिनी चेंज कर सकती हैं। तो चलिए हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर ट्रांजैक्शन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जो अकाउंट आपका यहां पर लिस्टेड रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका CIF नंबर भी बताया जाएगा अकाउंट का। उसके नीचे में व्यू नॉमिनेशन की एक ऑप्शन आता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से ही नॉमिनी यहाँ पर ऐड करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकती हैं, जिसमें नॉमिनी का नेम डालना है, नॉमिनी का एड्रेस, अगर अकाउंट में जो एड्रेस है वही एड्रेस नॉमिनी का है तो आप सेम डाल दीजिएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपका शो हो जाएगा। प्रोडक्ट टाइप में आपका सेविंग अकाउंट रहेगा तो सेविंग अकाउंट, और करेंट अकाउंट रहेगा तो करेंट अकाउंट। अगर आप नॉमिनी यहाँ से अपडेट करना चाहती हैं, पुराना वाला को हटाकर नया वाला डालना चाहती हैं, तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहां पर कैंसिल नॉमिनेशन पर क्लिक करना होगा। घबराइए नहीं, जब ये कैंसिल नॉमिनेशन पर आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहां पर रजिस्टर्ड करने की ऑप्शंस आ जाएगी और आप लोग रजिस्टर्ड काफी आसानी से कर पाएंगे। और जो लोग नॉमिनी पहले से ऐड करके नहीं रखे हैं या फिर नॉमिनी यहां पर नहीं दिख रहा है, उनको डायरेक्ट यहां पर रजिस्टर्ड नाउ की एक ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करके यहां पर नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, नॉमिनी का नाम, ये सारा कुछ डालने की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे, अब हम आपको ब्राउजर में लिए चलते हैं और नेट बैंकिंग के मदद से कैसे नॉमिनी ऐड या फिर अपडेट करना है ये हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यहां पर आपको ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद ऑनलाइन SBI.com पर आकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर जाइएगा। लॉगिन कर जाने के बाद आपको यहां पर 3 डॉट ऑप्शंस नजर आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकोगे कि ऑनलाइन नॉमिनेशन लिखा गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आएंगे, रजिस्टर्ड नॉमिनेशन, इंक्वायर नॉमिनेशन और कैंसिल नॉमिनेशन। तो आप अगर पहले से रजिस्टर्ड करके रखे हो तो नीचे में नजर आ जाएगा कि आपने कौन से नॉमिनी यहां पर डाल रखा है। नीचे में अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट बहुत सारा है, सेविंग अकाउंट है, तो सारा कुछ यहां पर नजर आ जाएगा, जिस अकाउंट का नॉमिनी आप जो है यहां पर अपडेट करना चाहते हैं या फिर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा।
मान के चलो सेविंग अकाउंट का आप नॉमिनी यहां पर ऐड करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका सिंगल अकाउंट है मतलब ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन खुद से ही नॉमिनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वही बात है, जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखे हो नॉमिनी तो सबसे पहले उस नॉमिनी को कैंसिल करना पड़ेगा। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखा है इस अकाउंट से नॉमिनी को, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा दूसरा नॉमिनी डालने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। अगर आप नॉमिनी को यहाँ पर ऐड करके नहीं हो तो रजिस्टर नॉमिनी पर क्लिक करके आप लोग नेम वगैरह सारा कुछ जो मैंने आपको पहले बता रखा है वही डिटेल आपको फिलअप करके ऐड कर लेना है। अगर आपको अपडेट करनी है तो अपडेट करने के लिए आपको यहां पर कैंसिल नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप कैंसिल नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर नीचे से अकाउंट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी, मतलब कौन से नॉमिनी कौन से अकाउंट का आप जो है यहां पर नॉमिनी कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी वगैरह का। तो यहां पर जो है आप अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर सेविंग अकाउंट का आप नॉमिनी यहां पर कैंसिल करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करके उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। जब ये एक बार कैंसिल हो जाएगा उसके बाद रजिस्टर्ड आप फिर से कर पाओगे ऑनलाइन ही। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको लगभग सारा जानकारी प्रोवाइड करा दिया है कैसे आप SBI अकाउंट में नॉमिनी अपडेट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ी या फिर इस प्रोसेस से जुड़ी कोई भी दिक्कत होती है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट कर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।